सिलसिला हमने अहरबल से शुरू किया था, तो ये सिलसिला आज भी जारी है। तब से हम बिल्कुल इसी काम में लगे हुए हैं, तो मुख्तलिफ फॉसिल साइट्स को हमने डिस्कवर किया है। सबसे पहले हमने कुलगाम एरिया में एक दुधरन इलाका है, तो वहाँ पे एक ज़बरदस्त फॉसिल साइट हमने ढूंढ निकाली है। उसके बाद अच्छाबल में दो साइट्स देखी है हमने, उसके बाद हम शांगस एरिया में भी कुछ फॉसिल्स मिले हैं, तो फिर हालखा नाम से एक जगह है छुद्रकुल एरिया में, तो वहाँ पे हमें एक पेट्रीफाइड वुड का एक फॉरेस्ट ही मिला है, और एक सेहत अफजा मुकाम है छतापल, यहाँ भी हमें बहुत से अकसाम के फॉसिल्स मिले हैं। तो इसके बाद ड्यूटू इलाका है, तो ड्यूटू में ज़बरदस्त फॉसिल्स मौजूद हैं और एक जियोलॉजिकल वंडर है। तो आज की बड़ी बात जो है, मुझे लगता है हमारी फाइंड के बारे में, कि हमने एक पूरा जंगल ही फॉसिलाइजर ढूंढ के निकाला है, जिसमें ट्रीज़ लगता है कि गिरे हुए हैं, कटे हुए हैं, और वो रॉटन हो गए हैं, रॉटन ट्रीज़, लॉग्स ऑफ वुड। तो वहाँ पे हमने देखा कि कई फॉसिल ट्रीज़ के ग्रोथ रिंग्स भी क्लियर है, यू कैन एक्चुअली काउंट दोज ग्रोथ रिंग्स, और कुछ रिपल मार्क्स भी हमें रॉक्स पे मिलते हैं, जो दर्शाते हैं कि कहीं यहाँ पे सी हुआ करता था, समंदर हुआ करता था, और वो रिपल मार्क्स, वेव मार्क्स रिकॉर्ड हो गए। और इसके अलावा टूरिज्म में भी बढ़ावा मिलेगा इन चीज़ों से, क्योंकि इट्स ए पार्ट ऑफ जियो टूरिज्म। मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने ये फॉसिल्स निकाले हैं, ढूंढ के निकाले हैं अहरबल से यहाँ तक और बाकी इलाकों से, तो मुझे लगता है कि इन द फ्यूचर इंशाल्लाह इट विल प्रमोट टूरिज्म एट ए लार्ज स्केल। तो व्हाट्स योर सजेशन और व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट और द अथॉरिटी? पहले तो इनको प्रिजर्व करना है, सबसे बड़ी बात वही होगी, क्योंकि फॉसिल्स अभी एक्सपोज भी हो गए हैं और आम लोगों तक ये बात गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि म्यूज़ियम बनाया जाए हर एक साइट पे और इन इलाकों को प्रिजर्व किया जाए, चेन फेंसिंग लगाई जाए हर तरफ, ताकि और ये साइन बोर्ड्स लगाए जाए कि यहाँ पे फॉसिल साइट्स है।